अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आपको याद होगा कि प्रीवियस वीडियो में हमने इन चारों फीस पर वीड को प्लान कर दिया था और जो 50% फर्टिलाइज भी हो गई थी। तो आप इसको इस चारों फीस को बड़े होने का इंतजार करते हैं और आप फिर इसको इन तीनों चारों फीस को हार्वेस्ट करते हैं। ओके, इस बार हम इन चारों फीस में जो हमारे वीट के बाद जो हम बेस स्ट्रा निकलता है हम उसकी बेस भी बनाएंगे और उन बेस को इस दफा हम सेल भी करेंगे। अभी मजा आएगा ना। तो गाइस हमारी चारों फीड्स रेडी टू हार्वेस्ट हो चुकी हैं। नाइस, अपने हार्वेस्टर को लेते हैं और इन चारों फीड्स को हार्वेस्ट करते हैं। तो इस बार हम इन जो फीड्स के जो बेस बनाएंगे जो स्ट्रा होती है उसके लिए हम अनेबल कर लेते हैं स्ट्रा स्ट्रेंथ को, क्योंकि इस बार हमने बेस बनानी है। नहीं तो सबसे पहले हम वर्कर को हायर करते हैं और इसको हार्वेस्ट करने पर लगाते हैं और उसके बाद हम शॉप पर जाएंगे और बेस लेकर आएंगे। तो गाइस शॉप पर चलते हैं, वहां जाकर बेस के लिए जो हमें व्हीकल चाहिए वो लेकर आते हैं। मस्त प्लान है। और अब हम देखते हैं कि ये ट्रैक्टर है, इसको हम टूल्स पर जाते हैं। टूल्स पर जाकर हम देखते हैं बी टेक्नोलॉजी कल्टीवेटर प्लस ग्रेप कॉटन शुगर कैन सीडर रोलर मूवर स्प्रेयर टेडर बेलर। हाँ तो हमें ये लेना है बेल लोडर, बेल्स लेनी है जो कि हमारी एक व्हीकल बेल्स बनाएगी। तो बेल्स बनाने के लिए हमें यार सबसे पहले हम लोन लेते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? $2,00,000 अपने कर लेते हैं, हमने लोन ले लिया। अब हम जाते हैं बेलर्स पर और एक व्हीकल को जो बेल बनाएगी उसको ले लेते हैं। तुमसे ना हो पाएगा। तो गाइस हम अपनी शॉप पर पहुंचने वाले हैं और वहां जाकर जो बेल्स बनाती है उसको लेते हैं। तो हम अपनी शॉप पर पहुंचने लगे हैं। जो सबसे पहले हम लोडर को बाद में अटैच करेंगे, पहले हम इस बेलर को अटैच करते हैं। नाइस, अपनी फीस पर लेकर चलते हैं वहां जाकर ये बेल्स बना इसको वर्कर को हायर करते हैं या खुद ही बेल्स बनाएंगे। ओके, अगर काम करेगा तो उसको करवा लेंगे वरना हम खुद इसको इस बेलर के जो बेल्स बनाएगी वो उसको कर लेते हैं। 2000 years later इस पर पहुँच चुके हैं और जाकर देखते हैं कि ये किस तरह काम करती है। नहीं तो ये पहली दफा हमारा ये वर्क है तो देखते हैं कि ये कैसे करता है। अरे कहना क्या चाहते हो? टर्न ऑन ऑटोमेटिक ड्रॉप को ज़्यादा दबा लेते हैं, उसके बाद हम अब बेलर को ऑन करते हैं, देखते हैं कि बेस बनाना शुरू करती है कि नहीं। अभी तो ये कोई बेस नहीं बना रही मेरे ख्याल से, इसको पिकअप को लोड करना पड़ेगा। हाँ अभी बेस देखिए आपसे बेस बनाना शुरू हो चुकी है, हम से ट्रा ले लेते हैं और ये बेस बनाना हम शुरू करते हैं। तो वर्कर को हायर कर देखते हैं कि वो हमारा काम करता है कि नहीं, वरना हमें खुद ही इन बेस को बनाना पड़ेगा। अरे कहना क्या चाहते हो? और एक राउंड में ये 50% हो गया, मतलब इसके दो राउंड मारेंगे तो हमारी एक बेल तैयार हो जाएगी। तो बेलर को ऑफ कर लेते हैं, अब ये वाले को पकड़ पिक कर लेते हैं क्योंकि वहाँ लेके जाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हम इस वाले को पहले पिक कर लेते हैं। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। तो देखते हैं कि ये जो बेल है ये कैसे बाहर आती है इस मशीनरी से। तो ये राउंड बेल आई है तो ओके, जब ये बेल आ जाएगी तो हमें वेट करना होगा इस बेल के निकलने का। ठीक हो गया, तुमसे ना हो पाएगा। तो गाइस आप देख सकते हैं कि वर्कर ने जो हार्वेस्टर वाला वर्कर है उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। तो अब हम इसको दूसरे हार्वेस्टर जो दूसरी फील्ड है वहां जाकर इसको हम काम पर लगाते हैं। तो साथ ही हमारी फील्ड है तो अब इसको हम पोजीशन पर रखते हैं और वर्कर को हायर करते हैं और वो अब इस फील्ड को हार्वेस्ट करेगा। नाइस, कल लगा कर हम बेल को उठाएंगे और फिर हम लोडर लेकर आएंगे जो बेल्स के लोडर को उठाएगा। अभी मजा आएगा ना। तो बेलर को ऑन कर लेते हैं और ये बेल बनाना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं कि ये 60% ये काफ़ी जल्दी एक बेल बना रहा है। ओके गाइस आप देख सकते हैं कि हमारी जो तीसरी बेल है वो भी रेडी हो चुकी है, तो हमारे बेलर उसको भी बाहर निकाल रहा है और उसके बाद हम चौथी बेल बनाएंगे। तो हमारे बेलर ने उसको बाहर निकाल दिया है, अब हम चौथी बेल बनाते हैं। तो ये दो राउंड में तो हमारा जो हार्वेस्टर है वो भी 80% फिल हो चुका है। तो ये इस फील्ड की बेस बनाने के बाद हम ट्राली को लेकर चलते हैं और हार्वेस्टर जो फील्ड है उसको अनलोड करवाते हैं।
नहीं भी कंप्लीट हो जाएगी और हम ट्राली को लेकर जाएंगे और वहाँ जाकर हार्वेस्टर से जो वीट है उसको निकालेंगे। यार ये वीट का फायदे है ना दो, एक हार्वेस्टर से वीट भी मिल जाती है और एक हमें बेल्ट बनाने का भी मिल जाती है। चुप! तो अब ये राउंड खत्म हो चुका है, तो अब हम ये जो दूसरी फील्ड को बेल्ट बनाने से पहले हम जो हार्वेस्टर है उससे हम वीट निकाल लेते हैं और सीलों में स्टोर कर लेते हैं। तो करना हम अब इसके यहाँ पर इसको खड़ा करते हैं और अब हम इसको डी अटैच करते हैं और ट्राली को अटैच करने के बाद हम हार्वेस्टर से वीट को निकालेंगे और सीलों में डालेंगे। मस्त प्लान है। अब हम चलते हैं अपने हार्वेस्टर की तरफ और वहां जाकर इस वो हार्वेस्टर फुल हो चुका है तो उससे हम कवर को ओपन कर लेते हैं और जो वीट है उसको हम निकालते हैं। तो वर्कर को यहाँ पर लगा देते हैं तो ये वीट निकालना शुरू हो चुका है। अब हम अपने ट्रैक्टर को लेते हैं और यहाँ पर जो बेल्ट है इनको बनाते हैं। Nice. को हमने ट्रैक्टर को हमने ले लिया तो अब हम इसको बेलर को ऑन करते हैं और अब हम इस फीस पर भी बेल्ट बनाना शुरू करते हैं। तो यार जो बेल्ट का उसके अंदर लोड है नहीं है इसलिए ट्रैक्टर काफ़ी जल्दी ये बेल्ट बना रहा है, काफ़ी स्पीड से ये इस बेल्ट को बना रहा है। चीटिंग करता है तू। बनाने के बाद अब हम लोडर लेकर आएंगे और अब हम इन बेल्ट को उठाएंगे। तो ये पेज को बनाना शुरू हो चुका है, 100% हो चुका। होने के बाद हम इसको खड़ा करेंगे ताकि ये 100% हो चुका है तो अब हम इसको निकालते हैं और उसके बाद हम दूसरी जो पेज हैं उनको बनाएंगे। तो अभी हम जो पेज बनाना दोबारा शुरू करते हैं क्योंकि हमारे बेलर ने पेज को निकाल दिया है तो ये दो राउंड में पूरा मुकम्मल हो जाता है। तो अब हम दोबारा एक राउंड मारते हैं और जो बेल है इसको एक और बेल को हम बाहर निकालते हैं। Okay. अब देख सकते हैं कि हमारा बेल भी 100% हो गया था, हमने उसको निकाल दिया है। तो यार हम आम ट्राली को ना जाकर अपने सीलों में अनलोड करते हैं क्योंकि यहाँ से हमने बेल बनाना तो हमें रुकावट आएगी। तो हम चलते हैं और जहाँ वहाँ जाकर हम इसको अनलोड करते हैं। अनलोड करने के बाद हम दोबारा जो बेल्स हैं उनको बनाएंगे। तो इसको हम सीलों में डालते हैं और दोबारा बेल्स बनाते हैं। एक राउंड के बाद हार्वेस्ट उस फील्ड को भी हार्वेस्ट कर लेगा तो अब तो ठीक है, उस फील्ड पर भी हम बेल्ट बनाना बनाएंगे। सबसे पहले बेलर को ऑन करते हैं और बेल्ट बनाना शुरू करते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो 99% हो गया, इसको 100% कर हम हार्वेस्टर को लेकर चलते हैं और दूसरी फील्ड पर इसको हार्वेस्ट करने को लगाते हैं। मस्त प्लान है। हो चुका है तो अब हम चलते हैं हार्वेस्टर को लेकर चलते हैं और जाकर जो तीसरी फील्ड है उसको हार्वेस्ट करते हैं। तो करना तो मेरे ख्याल से कि हम इस फील्ड को बेल्ट बनाने के बाद हम इस जो ये फील्ड है इसके लिए हम एक लोडर लेकर आए और लोडर लेकर आकर जो हमारी तीसरी फील्ड है उसके बेल्ट बनाएंगे। शॉप पर जाएंगे और जो हमने बेल्ट पिकअप लोडर पकड़ा है हरीदा है उसको लेकर आएंगे। तो सबसे पहले हार्वेस्टर को इस फील्ड पर हार्वेस्ट करने के लिए लगाते हैं और उसके बाद शॉप पर जाकर हम बेल को लेकर आएंगे। तो इसको पोजीशन में रखकर वर्कर को हायर करते हैं और वो काम करना शुरू करेगा। तो हम वर्कर को हायर कर दिया, अब हम इस बेल को बनाने के बाद बेलर को ऑन किया और ये राउंड पूरा करने के बाद हम शॉप की तरफ जाएंगे और वहाँ जाकर जो पिकअप लोडर है उसको लेकर आते हैं। नहीं 30 मेरे ख्याल से ये 40% हो जाएगा तो बाकी का जो रह गया है हम दूसरी फील्ड पर जाकर इसको बनाएंगे। तो बेलर को ऑफ कर देते हैं और इसको डीअटैच कर देते हैं और जाकर एक पिकअप लोडर लेकर आते हैं। तो हम चलते हैं शॉप की तरफ और लेकर आते हैं जो पिकअप लोडर है। नाइस गाइस, हम अपनी शॉप पर पहुंचने वाले हैं और वहां से जाकर जो बेल का लोडर है उसको लेकर आते हैं। तो हम अपनी शॉप पर पहुंच गए हैं और बेलर लोडर को डीअटैच करते हैं और इसको जाकर हम बेल्स उनको उठाते हैं। तो सबसे पहले इसको अटैच कर लेते हैं, अटैच हमने कर लिया। तो इसके इसमें जो वर्कर है इसका ऑपरेटिंग पोजीशन है और एक ट्रांसपोर्टिंग पोजीशन है। अरे कहना क्या चाहते हो? जब हम बेल को पिकअप लोड करेंगे तो जो पिकअप इसके साथ लगा हुआ है इसको हम नीचे कर लेंगे, ऑपरेटिंग पोजीशन पर कर लेंगे और बेल्स को जाकर पिकअप करेंगे।
मेरे ख्याल से यार ये स्क्वायर बेल पिकअप है, हम चेक कर लें यार हमने कहीं गलत पिकअप तो नहीं ले लिया। तो चलते हैं शॉप पर, बेल लोडर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये पिकअप करेगा तो ठीक है, वरना हम एक राउंड लेकर आएंगे और उसको जाओ वो इसको सेल कर देंगे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। बेल्ट बनाती है तो ये स्क्वायर है, कॉटन का भी हमारा यही मसला हुआ था कि हमने स्क्वायर कॉटन हार्वेस्ट लिया था, तो उसने जो कॉटन की हार्वेस्ट की थी वो स्क्वायर में उसमें डिब्बा बनाया था, तो हमने गोल वाली मशीन ले ली थी उसको पिकअप करने के लिए। तो इस बार बेल ने गोल बेल बनाई है तो हमने स्क्वायर ले लिया है इस बेल लोडर पिकअप पर। तो इसको सेल करेंगे और शॉप पर जाएंगे और एक सर्कल की पिकअप पर जो बेल उठा वो वाला लेकर आएंगे। इसको ऑपरेटिंग पोजीशन पर करते हैं और चेक करते हैं कि ये कर सकता है कि नहीं, वरना नहीं एक सर्कल को पिकअप करने वाला। दिस बेल इज नॉट सपोर्टेड यार। और अब हम जो हमारे पास ओन्ड आइटम्स हैं बेल लोडर्स, इसको हम सेल कर देते हैं। यार हमें 20,000 का नुकसान हो गया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मेरे ख्याल से हमें लेना चाहिए ये वाला, ये ट्रांसपोर्ट हमें यही लेना पड़ेगा। तो इसको कस्टमाइज करते हैं और इसको हम बाय कर लेते हैं। ये हमने इसको बाय कर लिया है और अब हम चलते हैं दोबारा शॉप पर और वहाँ से लेकर आते हैं एक सर्कल बेलर। तो शॉप की तरफ चलते हैं और जो स्क्वायर बेलर है उसको लेकर आते हैं। नहीं कंट्रोल इस बेलर पिकअप को उठाते हैं और जाकर अपनी बेस जो फील्ड है वहाँ जाकर इस बेस को उठाते हैं। तो सबसे पहले हम जो इस बेल लोडर है इसको अटैच कर लेते हैं और अपनी फील्ड की तरफ हम इसको लेकर चलते हैं। अभी मजा आएगा ना भीड़। तो इसमें भी वही फंक्शन आए हैं, ऑपरेटिंग पोजीशन और ट्रांसपोर्टिंग पोजीशन। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? उसके साथ आया वरोन को उठाने की शेप में। आप देख सकते हैं जो ब्लैक कलर का है वो थोड़ा ना कर्व है, क्योंकि वो रोन को उठाएगा। जो पुराना था जो हमने अभी सेल किया है उसका जो ये पिकअप था वो स्क्वायर में था, क्योंकि वो स्क्वायर बेल उठाता है और इसका राउंड में है और ये राउंड में उठाएगा। तो अब हम जा रहे हैं अपनी फील्ड की तरफ और वहाँ जाकर हम जो हमारी बेल था उसको पिकअप करते हैं। ओके, पहुँचने वाले हैं अपनी फील्ड की तरफ। तो हमारी फील्ड नंबर है 46, 45 और 40, मेरे ख्याल से 44 है। तो जाकर देखते हैं कि हार्वेस्टर ने उस फील्ड को भी हार्वेस्ट कर दिया है कि नहीं, क्योंकि वो इन दोनों फील्ड से छोटी फील्ड है तो उसको वो हार्वेस्टर जल्दी हार्वेस्ट कर देगा। तो इस पोजीशन पर करते हैं और इन बेल्स को उठाते हैं। तो हाँ जी, देख सकते हैं कि ये बेल्स उठाना शुरू हो चुका है, तो ये 24 बेल उठा सकता है एक वक्त में। थैंक यू। तो हम इस बेल पिकअप को उठा लेते हैं। तो बारी बारी कर कर हम हर बेल को उठाते हैं और ये 24 बेल आहिस्ता आहिस्ता जितनी बेल बनती हैं हम देखते हैं और उसके बाद हम जाकर इन बेल्स को सेल कर कर आएंगे। तो करना। तो हमारी दो फील्ड से जो हमारी बेल निकली हैं वो हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमारी ये जो दोनों फील्ड है वहाँ से हमारी 6 बेल्स निकली हैं राउंड में और एक वो वाली 7। तो ये 7 बेल्स निकली हैं हमारी इन दोनों फील्ड को राउंड वाली शेप जो बेल्स हैं। स्क्वायर का अपना हिसाब है क्योंकि उसका जो साइज उसका वो शेप है उसकी लग है उसमें ज़्यादा मेरे हाथ से ज़्यादा आ सकती हैं बेल्स क्योंकि वो डिब्बा ज़्यादा बड़ा है। तो ये 29% लोड हो चुका है, इसका मतलब है 7, 14, 21, 28। तो ये तकरीबन वो 24 बेल्स उठा सकता है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। और अब हम यार हमने देखा ही नहीं कि जो हमारी व्हीकल्स है वो हमने रेड गाड़ी खड़ी की हुई है यहाँ पर, उसकी वजह से वो हार्वेस्टर उस फील्ड को हार्वेस्ट नहीं कर रहा। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? साइड पर करते हैं ताकि हार्वेस्टर अपना काम कर सके। तो हम इसको साइड पर करते हैं और अब हम अपने बेल को लेते हैं क्योंकि वो अब हम इस फील्ड को भी इस फील्ड के भी हम बेल बनाएंगे। तो चलते हैं अपने ट्रैक्टर की तरफ और जाकर एक बेल जो तीसरी फील्ड है वहाँ जाकर भी बेल बनाते हैं। तो अब हम इसको डीअटैच कर लेते हैं
टी अटैच किया हमने, और हम अपने बेस को अटैच कर कर हम जो तीसरी फील्ड है उसके जाकर भी हम बेस को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इसको अटैच कर लेते हैं और अपनी फील्ड की तरफ चलते हैं, और वहां जाकर ये बेस बनाएगी। अभी मजा आएगा ना। तो फील्ड पे पहुंचते हैं, तो हम अपनी फील्ड पर पहुंच चुके हैं और बेल्डर को ऑन करते हैं। तो अब हम ये फील्ड ये बेल बनाना शुरू कर देगी। ये हार्वेस्टर यार क्या 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 पोजीशन ले रहा है यार, छोड़ो अपना काम कर देता है वो। तो हम अपना काम करते ओके भी बेस बनाते हैं। ओके तो मेरे यार से हम उन दोनों फीस पे हमें मिली थी तकरीबन है, ये 100% हो गया। अब इसको दोनों फीस पर 7, अगर सेवन किया जाए तो 3.5 बेल एक फील्ड पर निकली थी। Nice. हम देखते हैं कि इस फील्ड पर हमें कितनी बेस देखने को मिलती हैं। चुप! निकाल लेते हैं और फिर देखते हैं कि हमें इन तीनों फील्ड इस फील्ड पर हमें उससे उन दो जो दो फील्ड हैं उनसे ज़्यादा मिलती है बेल, उनसे कम मिलती है। ये हम चेक कर लेंगे। पहले इन बेस को हम निकालते हैं इसमें जो, फिर इसको हम ये जो दो पिकअप करेंगे, और फिर हम जो सीडर है उसको जब सीजन आएगा वीट को प्लांट करने का तब हम उस सीड को प्लांट करेंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? क्लॉथ या फैब्रिक से आप ले लीजिए, क्योंकि जो हमारे पास कॉटन है वो अगर हम वैसे सेल करेंगे तो हमें इतना कुछ मिलेगा नहीं पैसा, लेकिन अगर हम सेल करेंगे उसे कि क्लॉथ की शॉप में कपड़े सेल करेंगे तो हमें काफ़ी फ़ायदा होगा। तो 100% हो चुका है, हार्वेस्टर ने भी अपना काम कर दिया है। तो अब हम देखते हैं आप पिकअप करके देखते हैं कि किस किस से ज़्यादा बेल निकली हैं। एक दो ये तीसरी बेल निकलने जा रही है। अगर ये 3.5 बेल निकल गई तो इसका मतलब है कि ये फील्ड उनके बराबर है। अगर मेरे ख्याल से 3 भी नहीं निकली। हाँ ये बहुत, ये फील्ड बहुत छोटी है यार इनसे। देखा मैंने कहा था ना तो तकरीबन इसमें पहले ही बेल जो स्ट्रॉ था वो मौजूद था इस बेल में, लेकिन फिर भी इसने 56% ही बनाया। तो अब हम इसको डी अटैच करते हैं और अपने जाकर जो पिकअप है उसको अटैच करते हैं और उसके इस बेस को बनाते हैं। नाइस। तो हम पहुंच रहे हैं अपनी बेस की तरफ और जाकर पिकअप कर लेते हैं, इसको अटैच करते हैं और फिर जो बेस है इसको पिकअप करते हैं। तो हम ट्रैक्टर को रिवर्स कर लेते हैं और पिकअप करते हैं। ओके तो हम इसको सबसे पहले अटैच करते हैं, हमने अटैच कर लिया। अब हम लेकर चलते हैं इसको अपनी फील्ड की तरफ और वहाँ जाकर इसको ऑपरेटिंग पोजीशन पर करते हैं। ऑपरेटिंग पोजीशन पर हमने कर लिया है और अब हम इसको जाकर उठाते हैं, इस जो बेस हैं इसको जाकर उठाते हैं। ओके तो दो ही बेस बनी है, दो यार एक मिनट में उठा लेगी ये बेस। तो इसको एक पिक कर लिया, अब बारी है दूसरी पिक करने की। तो दूसरी बेल को भी इसने पिक कर लिया। अब हम हार्वेस्टर को तीसरी फील्ड की तरफ लेकर चलते हैं और वहाँ जाकर ये दूसरे उस फील्ड को भी हार्वेस्ट करेगी। तो इसको ट्रांसपोर्टिंग पोजीशन पर सबसे पहले करते हैं और इसको डी अटैच कर लेते हैं। तो गाइस यही मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो पर अच्छा था कमेंट करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।